Welcome back to my channel. Greetings of the day to all of you. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of University of Allahabad and it is my email ID. Join my Telegram group Explore Education for learning related materials and subscribe my channel if you like my video. And my video will be useful for certain sorts of teaching examinations. Okay, so आज हम लोगों ने बदल लिया है विषय. आज हम लोग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बात नहीं कर रहे हैं, सोशियोलॉजी पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम एजुकेशनल फिलॉसफी पर बात करने आए हैं, जिसमें कि मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन पढ़ाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का एजुकेशन में क्या रोल है, कैसे इसने एजुकेशन को प्रभावित किया है, क्यों हम लोग एजुकेशन में इसको पढ़ते पढ़ाते हैं. तो शुरू करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद. लेक्चर मेरा बाइलिंगुअल रहेगा, आप जानते हैं. सबसे पहले हमेशा की तरह जानेंगे इसका इतिहास, कैसे आया ये, कैसे उद्भव हुआ, कौन वो लोग हैं, कौन वो दर्शन शास्त्री हैं जो अस्तित्ववाद पर बात करते रहे हैं. तो द रूट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कैन बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द सोफिस्ट्स, द पेड टीचर्स ऑफ एंशियंट ग्रीस स्पेसिफाइड इन टीचिंग मॉरल्स. अगर हम देखें तो हमको ग्रीस में, पुरातन जो ग्रीस है, जो यूनान है, उसमें शिक्षण मॉरल्स मतलब कि आपके नैतिक मूल्यों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक, जिनको सोफिस्ट कहा जाता था, उनसे जाके इसकी जड़ें मिलती हैं. और देखिए फिर से हमारे सुकरात साहब आ गए, कैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग फिलोसफी पढ़ते हैं, हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, पर कुछ ना कुछ इनकी सेइंग ऐसी होती है जो उससे जुड़ती है. तो सुकरात साहब, सोक्रेटिस हैज बीन कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट. तो अगर कहा जाए, देखा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए, तो सुकरात मिलते हैं हमको जो कि प्रथम अस्तित्ववादी कहे जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि सुकरात किसकी बात कर रहे हैं? नो दाई सेल्फ. सुकरात ये बात कह रहे हैं कि स्वयं को जानो, खुद को जानो. और the term existentialism seems to have been coined by the French philosopher Gabriel Marcel. Gabriel Marcel साहब के द्वारा कॉइन है ये टर्म, और बाद में जियां पॉल सार्त्र ने इसको अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है. और द टर्म एग्जिस्टेंशियल आल्सो हैज अ कनेक्शन विद 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीट्स. तो इतने नाम हैं जो हमको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, अगर हमको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है, अगर हमको लॉन्ग आंसर लिखना है तो भी, और ऑब्जेक्टिव में तो और याद रहने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और फिर हम गलत उत्तर पर टिक लगा देते हैं. तो बहुत कुछ, बहुत नए नाम आपको जानने को मिलेंगे इस फिलॉसफी में, दर्शन में. तो इतने लोग हैं जो इसके इतिहास से जुड़े हुए हैं. अगर हम जाने कि अस्तित्ववाद जो जो दर्शन है, उसमें कौन से वो दर्शन शास्त्री हैं जिनका नोटेबल काम है, जो विचारणीय है, जो याद किए जाने वाले हैं, तो ये पांच नाम जरूरी हैं, आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले सोरेन कर्केगार्ड, है ना. अब किर्केगार्ड कैसे कैसे करके हिंदी में मिलता है, तो आप इसको किसी भी तरह से पुकार सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए. तो ये जो है वो फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहलाते हैं. फिर फ्रेडरिक नीच, मार्टिन हिडेगर, कार्ल थियोडोर जेस्पर्स और जियां पॉल सार्त्र. इसके अलावा भी कई नाम हैं, पर ये पांच नाम हमको जरूर पता होने चाहिए. एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म पर बात करने वाले लोग हैं ये. क्योंकि कई बार जब नाम पूछ लिए जाएंगे तो एक तो इनका प्रोनंसिएशन थोड़ा सा इतना थोड़ा टिपिकल है, तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमको जरूर पता होने चाहिए ये नाम. ठीक, जिसमें से पहले वाले फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. अब आती है बात फिलॉसफी पे, कि कैसी फिलॉसफी है ये, क्या बात कर रहा है ये दर्शन. तो एक बात हम जान लें कि ये यंगेस्ट फिलॉसफी है, मतलब सबसे बाद में इसका इस पर बात की गई है, सबसे बाद में इसका ओरिजिन है. और मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि वो फिलॉसफी है, वो दर्शन है जो इंडिविजुअल पर सबसे ज्यादा बल देती है. देन एग्जिस्टेंशियलिज्म इमर्ज्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट the society, the state and the world and asserted the supremacy of the individuality of man. यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वो दर्शन है जो एक तरीके से विरोध कर रहा है. किसका विरोध कर रहा है? समाज का विरोध कर रहा है, राज्य का विरोध कर रहा है, संसार का विरोध कर रहा है, और कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है जो सुप्रीम है, जिस पर
मतलब मोस्ट पावरफुल क्या है, इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन। मैन से ये मतलब नहीं है कि विमेन की इंडिविजुअलिटी की बात नहीं की जा रही, मैन का मतलब पर्सन से है, किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलिटी, जो उसका जो उसकी यूनिकनेस है वो सुप्रीम है, वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल है और कोई भी चीज उसके आगे मायने नहीं रखती है। इस तरीके की एक प्रोटेस्ट के रूप में ये फिलोसफी इमर्ज हुई। और आप इसको ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि वेस्टर्न फिलोसफी है तो बहुत ज्यादा मतलब क्राइस्ट और बहुत ज्यादा रिलीजन का बहुत बोलबाला हो गया था, तो उसके विरोध में एक तरीके से ये आई है। तो ये अनीश्वरवाद को प्रेजेंट करने वाला दर्शन है और एज सच इसने एजुकेशन पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम इसका इम्प्लीकेशन एजुकेशन में पढ़ते पढ़ाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। देन सोरेन फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म आर्ग्यूड, क्या तर्क देते हैं ये, दैट पीपल शुड फोकस ऑन लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब ये बल देते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो उसका प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल में खुश रहते हैं कि कितने अच्छे दिन थे हमारे, या हम सोचते हैं कि हमारा जो भविष्य होगा वो बड़ा सुखमय होगा, मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको नहीं जीते। तो ये क्या कह रहे हैं, पीपल शुड फोकस ऑन लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमको चुनाव करना चाहिए, जो हमको निर्णय लेने चाहिए वो कैसे लेने चाहिए, व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि सोशल कन्फॉर्मिटी, मतलब समाज किसको सही मानता है, और एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स और जो हमारे मूर्त नैतिक सिद्धांत हैं उन पर नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि ये फिलॉसफी सही कह रही है या ये गलत कह रही है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो ये फिलॉसफी कहती है। अब मतलब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग इस तरह से नहीं बिहेव करते, हम तो सोशल कन्फॉर्मिटी के हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं। तो ये फिलॉसफी किस टाइम में आई हमको ये ध्यान देना होगा, और आप इसको अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं, आप इस स्कूल ऑफ थॉट के संग चलना चाहते हैं नहीं चलना चाहते हैं वो दूसरी बात है, हमको सिर्फ इसको एज अ फिलॉसफी पढ़ना है। तो ये कहा इन्होंने कि हमको इस तरह से डिसीजन लेना है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन पर ध्यान दे रही है, उस पर बल दे रही है। देन अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इसको कैसे डिफाइन करती है, द व्यू और बिलीफ, या तो एक व्यू पॉइंट है, दृष्टिकोण है, या विश्वास है। क्या विश्वास है, दैट एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। सिर्फ अगर हम ये याद रखेंगे एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस तो हम इस फिलॉसफी को समझ जाएंगे, यानी कि हमारा अस्तित्व है वो पहले है, इसके बाद कोई भी और चीज आती है, उसका महत्व, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रासंगिकता सब अस्तित्व के बाद आती, पहले अस्तित्व। मीनिंग दैट ह्यूमंस एग्जिस्ट फर्स्ट, इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य क्या है, पहले उसका अस्तित्व है, वही फोरमोस्ट है, एंड देन डिफाइन देमसेल्व्स आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद हम अपने आप को परिभाषित बाद में करेंगे, पहले हम हैं, ये जरूरी है। तो ये इस फिलोसफी का डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। फिर अगर हम इसको अच्छा, क्योंकि हमने फिलोसफी पे बेसिक मेन वीडियो भी नहीं बनाया, मतलब आपसे बात नहीं की है, तो फिलोसफी को अगर हम बांटे तो उसके तीन मुख्य शाखाएं निकल आती हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, जिसमें से मेटाफिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, और एक्सियोलॉजी को बोलते हैं मूल्य मीमांसा, जिसमें कि एक्सियोलॉजी जो है वो बाद में फिर विभक्त हो जाती है इथिक्स और एस्थेटिक्स में। इथिक्स मतलब मूल्य और एस्थेटिक्स मतलब वो किसको सौंदर्य, मतलब गुड क्या है, उसके गुडनेस क्या है उसके हिसाब से। तो अगर हम मेटाफिजिकल पॉइंट के हिसाब से एग्जिस्टेंशियलिज्म को देखें, मतलब तत्व मीमांसा के दृष्टिकोण से देखें, इसीलिए मैंने एक लाइन लिख भी दी है कि मेटाफिजिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस बीइंग एंड द वर्ल्ड, यानी कि ये जो तत्व मीमांसा है वो दर्शन की वो शाखा है जो कि डील करती है किससे, अस्तित्व से, प्रकृति से, होने से, मतलब हम हैं, क्यों आए हैं, क्या होगा हमारा इस संसार में, इस तरीके की बातों का अर्थ जानने का प्रयास करता है मेटाफिजिक्स। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मेटाफिजिक्स क्या है, एक बात खास अगर हम ध्यान रखें, फ्रेडरिक नीच, हमने इनका नाम लिया था, इनका स्टेटमेंट क्या था, गॉड इज डेड। मतलब इस हद तक ये अनीश्वरवादी हैं, मतलब ईश्वर की सत्ता को कहीं भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते तो स्वीकार किसको करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। इंपॉर्टेंस किस पे दी जा रही है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, जो आप हैं, जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपकी यूनिकनेस है, वही महत्वपूर्ण है बस, और आपको किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है। मैन इज नथिंग एल्स बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ,
मनुष्य कुछ भी और नहीं है बल्कि वो है जो उसने खुद बनाया है अपने आप को. सच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. अगर अस्तित्ववाद का हम प्रथम मूलभूत सिद्धांत देखें तो वो ये है क्या कि मैन इज नथिंग एल्स बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ. यानी कि मेटाफिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पर प्रधानता है. ओके देन epistemological point, अगर हम इसकी ज्ञान मीमांसा देखें तो क्या होगा. The existentialist approach to knowledge is known as the phenomenological method. यानी कि अगर ज्ञान अगर अस्तित्ववादी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को ये सही मानते हैं, वो है फेनोमेनोलॉजिकल मेथड. इतनी ज्यादा इसमें समानता है कि कहीं कहीं इसको एग्जिस्टेंशियलिस्ट डैश फेनोमेनोलॉजिस्ट फिलोसफी भी कहा जाता है. तो फेनोमेनोलॉजी है क्या. इट कंसिस्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द मीडियम ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज. मतलब हमको क्या करना है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, जो चेतन है हमारे मन का, उसके अनुभवों को की अभिव्यक्ति करनी है. कैसे करनी है, साधारण भाषा में. यानी फेनोमेना क्या, घटना से बना हुआ है. तो जो कुछ भी चेतन मन की घटनाएं है, हमारा कॉन्शियसनेस है, उसके जो अनुभव है, उसका एक्सप्रेशन करना है. और कैसे एक्सप्रेस करना है, उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में करना है. देन लिटिल अटेंशन टू इंडक्टिव रीजनिंग. हम लोग डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग जानते हैं, जिसमें कि इंडक्शन जो इंडक्टिव रीजनिंग जो साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, रियलिज्म जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है, उसको ये बिल्कुल कम महत्व देते हैं. ये कहते हैं एकदम हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. साइंस का ये विरोध करते हैं. मतलब अगर साइंस को एक्सेप्ट करते हैं पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते हैं उस पर. क्या कहते हैं, साइंस दे बिलीव हैज बीन वन ऑफ द मेजर डीह्यूमनाइजिंग फोर्सेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड. यानी कि जो हमारा आज का संसार है उसमें जो साइंस को ये मानते हैं ऐसी चीजें जिसने हमको सबसे ज्यादा अनह्यूमन बना दिया है. क्यों, क्योंकि साइंस क्या कहती है, ऑब्जेक्टिव. और ये क्या कह रहे हैं, सब्जेक्टिव. क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सब लोग वेरी कर रहे हैं, सबका ट्रुथ वेरी कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्टिविटी है. तो सब्जेक्टिविटी तो ऑब्जेक्टिविटी से हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट में ही होगी. और हम क्या कहते हैं, सबको एक समान, ये वो, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. तो हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, हम इन द सेंस साइंस. तो इस और ये सब्जेक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, इसलिए ये साइंस पर कम महत्व देते हैं. देन एक्सियोलॉजिकल पॉइंट, यानी कि अगर हम मूल्य के हिसाब से देखें तो अस्तित्ववाद का मूल्य किसमें निहित है. इट वॉज अप टू द इंडिविजुअल टू फाइंड हिज और हर ओन मॉरल परफेक्शन एंड हिज और हर ओन वे देयर. मतलब ये नहीं है कि कोई वैश्विक यूनिवर्सल मॉरल लॉज है. जैसे कि हम मॉरल डेवलपमेंट में बात करते हैं, जब कोलबर्ज बात करते हैं, जब पियाजे बात करते हैं, तो कहते हैं क्या कि एकदम जब हाइएस्ट स्टेज पे मॉरल डेवलपमेंट होती है तो हम एकदम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मानने लगते हैं ना, कि सच है तो सच हर जगह सही होगा, सच की प्रधानता होगी. लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमारा अपना मॉरल परफेक्शन है, हमने जिस हिसाब से अपना परफेक्शन का जो लेवल सेट किया है वहां पे हमारी मोरालिटी ठीक है, और हमारी मोरालिटी का किसी और की मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं. इट वॉज अप टू द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो अपना मॉरल परफेक्शन कहां सेट करता है. फिर आई मस्ट फाइंड द ट्रूथ दैट इज द ट्रूथ फॉर मी द आइडियल फॉर विच आई कैन लिव और डाई. मतलब इंडिविजुअलिटी का देखिए किस लेवल तक इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो मेरे लिए सच है वही सच है, और वो ही एक आइडिया है जिसके लिए मैं जी सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ. मतलब वही मेरा सच है, उसका किसी और के सच से कोई लेना देना नहीं है. वो मेरा ऑब्जेक्टिव सच नहीं, वो मेरा सब्जेक्टिव ट्रूथ है. आपके लिए वो गलत हो सकता है, मेरे लिए सही है, ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है. देन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल इथिक्स, अगर एग्जिस्टेंशियल के इथिक्स की बात की जाए तो क्या है, द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमंस इज बिकमिंग एन इंडिविजुअल. यानी हमारे लिए सबसे बड़ी बड़ा सबसे अच्छा काम यही होगा कि हम एक इंडिविजुअल बन जाएं. तो इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं है कि हम तो हैं इंडिविजुअल, नॉट मियरली बीइंग अलाइव, इसका मतलब इससे बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ जीवित हैं तो हम इंडिविजुअल हैं, बट हैविंग अ रियल लाइफ बाई बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ और वन सेल्फ. मतलब हमको एक ऐसा जीवन जीना है, एक वास्तविक जीवन जीना है जिसमें हम स्वयं के लिए सच्चे हों. ये इसकी सबसे बड़ी गुडनेस है, किसकी, एग्जिस्टेंशियलिज्म की. एंड द वेरी एसेंस ऑफ गुड इज चूजिंग. मतलब अगर हम चुनाव कर सक रहे हैं, अगर हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, इसका मतलब कि हम इंडिविजुअल हैं सही मायने में. और अगर और किसी फिलॉसफी की बात करें या अपनी आपकी बात करें तो सॉरी हमारे पास चुनने की पावर इन जनरल नहीं होती है. देन philosophical premises, अगर हम इसके दर्शन sorry
अगर हम इसके फिलोसॉफिकल प्रमाइसेस की बात करें तो सबसे खास जो पहले भी बता दिया गया, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस की बात आएगी, कोई कोई और बात उसके बाद, फिर द फैक्ट ऑफ फ्रीडम। वो कह रहे हैं ना कि मैन जो है वो फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि वो अपनी चॉइस, उसके पास चूज करने की क्षमता है। फिर नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कॉन्सेप्ट्स, हम कोई रेडीमेड कॉन्सेप्ट तो मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो बनना है क्या, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का मतलब हमको अपने हिसाब से ट्रूथ सेट करना है, अपने हिसाब से मॉरल परफेक्शन सेट करना है, तो हम कोई भी रेडीमेड कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज चॉइस, हम वो हैं जो हमने अपने आप को खुद बनाया है, किसी और की कोई जिम्मेवारी नहीं है। देन ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, सत्य क्या है? सब्जेक्टिव है, मेरा सत्य आपके सत्य से अलग है। डेथ एंड नथिंगनेस, डेथ पे ये विश्वास करते हैं और कहते हैं कि जो एसेंस है, मतलब जब हम पैदा हुए तो हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बर्थ और डेथ के बीच में ही सब कुछ है। मतलब कोई बर्थ, पूर्व जन्म, पश्च जन्म, इस तरीके की बात नहीं कि मरने के बाद क्या होगा या पैदा होने से पहले हमारा कोई पूर्व जन्म था, इस सब की कोई बात नहीं। इसीलिए ये किसी मॉरल प्रिंसिपल की बात नहीं करते ना, मतलब जो है वो यही है, इसी संसार में हम आए और इसी संसार के संग हम चले जाएंगे, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से जीना है। तो हम इसको इस सेंस में नहीं देखें कि बहुत सेल्फिश फिलॉसफी है, इस सेंस में देखें कि इसका उद्भव जब हुआ तो वाकई बहुत रिलीजन का एम्फेसिस हो गया होगा मनुष्य पे और वो बिल्कुल जी नहीं पा रहा होगा अपने हिसाब से, इसलिए ये इस फिलॉसफी उद्भव इसका हुआ होगा, उदय हुई होगी। एंड सेल्फ नॉलेज, ये कहते हैं जैसे सॉरी एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस है, उसी तरह से सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स यूनिवर्सल नॉलेज है। मतलब हमको यूनिवर्स की नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपनी नॉलेज से मतलब है, मतलब का मतलब सरोकार है। फिर अगर हम इसको समराइज करना चाहें, इसके विशेष गुणों को एक साथ रखना चाहें, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट एज फ्री एंड कॉन्शियस बीइंग्स, मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य क्या है, वो है जो स्वतंत्र है और जिसमें चेतना है। देन लाइफ हैज नो मीनिंग और पर्पस अदर देन व्हाट द इंडिविजुअल, द होना चाहिए था यहाँ पे, व्हाट द इंडिविजुअल क्रिएट्स फॉर देमसेल्व्स। वो कह रहे हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ वो है जो कि व्यक्ति ने अपने लिए बनाया है, उसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। फिर एम्फेसिस ऑन लिविंग ऑथेंटिकली बाय एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर एक्शंस विदाउट रिग्रेट। देखिए ये सबसे खास बात है, हम हमेशा से कह रहे हैं हम चूज कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम अपना मॉरल सेट करेंगे, हमारा ट्रूथ अलग है, सही है, उसको किसी के गलत सही से लेना देना नहीं। लेकिन हमने जो भी डिसीजन लिया है, फिर उसका जो भी प्रोस एंड कॉन्स होगा, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने अपने हिसाब से लिया ना, उसके लिए हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा, ना ही हम उसको किसी पर थोप पाएंगे कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, हमने आपके क्या प्रभुत्व में आके ये निर्णय ले लिया, ये नहीं होगा। इसीलिए जब हम इसका एक्शन एजुकेशन में इम्फेसिस देखेंगे, एजुकेशन में इसका रोल देखेंगे, तो वो यही होगा कि हमको इंडिविजुअल को इतना लायक बना देना है कि वो सही डिसीजन ले सके। ओके, देन इट एम्फेसाइजेस द इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किस पर महत्व देता है कि व्यक्ति का जो फ्रीडम है, फ्रीडम स्वतंत्रता किसकी है, चुनने की है, जो उसकी जिम्मेदारी की स्वतंत्रता है, उस पर एम्फेसाइज है, एम्फेसिस है। एंड इट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ, यानी कि किस पर महत्व दी जा रही है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो सॉरी जीवन में अपने अर्थ को खुद बनाएगा। एंड इट कैन बी सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट वाज कंसीडर्ड कन्वेंशनल थिंकिंग। और एक तरीके से ये किस तरीके का रिएक्शन माना जा सकता है कि जो कन्वेंशनल थिंकिंग चल रही थी उसके एक अगेंस्ट में ये रिएक्शन है। क्या? ये फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, तो बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी है, आप कह सकते हैं कि एकदम रिलीजन के ऑपोजिट में है, गॉड के अपोजिशन में है, और सिर्फ इंडिविजुअल को महत्ता है, इंडिविजुअलिस्टिक है, हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है। और इसने खुद डायरेक्टली एजुकेशन पे कुछ नहीं कहा है, इसने मतलब जो लोग इस पर बात कर रहे थे, लेकिन हम इसको एजुकेशन में इसका इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, सो thank you and don't forget to like and subscribe my channel if you really like the content and the delivery, and join my telegram group to get learning materials if you want, you can ask your query there, you can provide feedback to me, and the channel of and the name of my telegram channel is explore education. Okay, so done from my side.